कारवां टीवी हर पल आपके साथ। अरे नीरन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या नगर पालिका के चुनाव में भी कमल खिलने वाला है? 101% इस बार कमल खिलेगा। नरक पालिका नगर पालिका बनेगी और सबसे अच्छी बनेगी। जो गलियां चौक हैं पिछले 10 साल से सफाई नहीं हुई, जैसे ही चेयरमैन बनेंगे सबसे पहले आपको विकास दिखने लगेगा। जिस तरह से नवाबगंज विधानसभा में विकास चल रहा है। अरे भैया क्या कहेंगे, जिस तरह से नीरेंद्र भाई की पत्नी प्रेमलता राठौर जी को जो टिकट मिला है? प्रेमलता जी को भाजपा की टिकट मिला है। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, नवाबगंज के लोग भी ये चाहेंगे कि नवाबगंज में भी भाजपा की सरकार हो, इससे यहाँ पूरे तरीके से नवाबगंज विकास हो सके। निश्चित रूप से प्रेमलता राठौर भारी मतों से विजयी होंगी, ऐसे हम सब लोग व्यवस्था बनाएंगे और प्रयास करेंगे। जानना चाहेंगे आपकी पत्नी को जो टिकट मिला बीजेपी से, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमलता राठौर पर विश्वास जताया है और हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पार्टी के माननीय पदाधिकारी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, जो भी हमारे माननीय अधिकारी हैं, माननीय सुरेश भैया जी, सारे ही लोग मिलके पार्टी को एकजुट करके और पार्टी प्रत्याशी की जीत में पूर्ण रूप से आप ये मान के चलिए अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए पार्टी तत्पर है। और आप विश्वास जानिए कि भारतीय जनता पार्टी नगर से भारी मतों से विजयी होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपकी पार्टी से जो दो लोग और टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो क्या लगता है आप उन्हें मनाने का काम करेंगे? देखिए नहीं, बिल्कुल मनाने का बात जहाँ तक है तो मनाने की बात होती है और हम लोग जाके आपस में जो भी यदि कहीं कोई गिला शिकवा होता है उसको दूर करके पार्टी प्लेटफॉर्म पे सारे पदाधिकारी एक ही रहते हैं, सारे पार्टी कार्यकर्ता एक ही रहते हैं और सारे लोग एक मन से, आपने पीछे विधानसभा में भी देखा होगा, लोकसभा में, तमाम चुनावों में देखा होगा कि टिकट आवंटन से पहले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जहाँ टिकट घोषित हो जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलता है, इस बार फिर चलने जा रहा है? नहीं, ऐसा चलता नहीं है, ये सब पत्रकारों की कारस्तानी है, पत्रकार लोग करवाते हैं ये सब, वास्तविकता ये है, ऐसा कहीं धरातल पर नहीं होता है। आप लोग चाहे जो कुछ करवाए वो एक अलग का विषय, लेकिन धरातल पर ऐसा कहीं नहीं होता है। अरे आपकी पार्टी का नारा 20 और 80 का, इसे आप किस नजर ये देखते? 20-80 का नारा हमारा कहीं नहीं है, हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विधानसभा में 20-80 के आधार पर आपने? नहीं, 20-80 का हमारा किसी भी नेता ने ऐसे नहीं कहा है कि हमारा 20-80 का चुनाव है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, किसी नेता का औपचारिक वक्तव्य है ही नहीं। हमारा तो वक्तव्य जो है, हमारा जो नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबका विश्वास हम लोगों को हासिल है। आज की तारीख कहीं नहीं है 80-20। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 80-20 का चुनाव लड़ना है, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वो प्रतिशत है यहाँ पे देश में आबादी का, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई कौन कितने प्रतिशत में है, ओबीसी कितने इस प्रकार से, इसे आप हिंदू मुस्लिम रूप नहीं देते हैं जो मुख्यमंत्री योगी ने कहा है। देखिए, पूरे समाज में प्रतिशत तो हर चीज का रहता ही है ना, कि कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं, कि कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने जैन समाज के, ये क्राइटेरिया है समाज को चलाने का और शासन व्यवस्था को चलाने का, तो वो रखा जाता है। अपने अल्फाजों को, अपनी पार्टी के अल्फाजों को आप पत्रकारों को थोप रहे हैं? नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूँ, ये नवाबगंज में ऐसा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने की छुटकियां लेते हैं पत्रकार लोग, ऐसा है, मैंने भी पत्रकारिता की है लंबे समय, तो मॉस्को में भी किया, तो ये पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि थोड़ा सा निगेटिव लेके चलिए जिससे थोड़ा सा TRP बढ़ जाए। नगर पंचायत क्षेत्र से कोई कैंडिडेट उतारा है आपने? देखिए, अभी तक हमने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी को समर्थन देगा। हाँ, जी जानना चाहेंगे प्रेमलता जी को जो टिकट मिला है और आज नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे?
प्रेमलता राठौर को नवाबगंज नगरपालिका के चेयरमैन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हम सब नगरवासी अपनी तरफ से उनका स्वागत करते हैं और आज नामांकन कराया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका नवाबगंज में विजयी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाजपा से ही दो लोग और टिकट मांग रहे थे, ऐसे में इन्हें टिकट मिला है, क्या लगता है वो आपसी सहमति बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें टिकट मांगने का हक सभी के लिए है। पार्टी जिसके लिए प्रत्याशी तय करती है, सब लोग मिलकर के उसको चुनाव लड़ाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे, ये तय है। नवाबगंज में देखा गया, जब भी नगरपालिका का चुनाव आता तो हिंदू मुस्लिम का रूप देता है, क्या इस बार फिर ऐसा होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती है। हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और निश्चित रूप से वोट भी भारतीय जनता पार्टी को सभी तबकों का मिलता है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।